शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नारायण नारायण, जय हो महिषासुर, जय हो त्रिलोक के शासक, असुर कुल के सम्राट। आइए नारद मुनि, विराजिए। नारायण। असुर इंद्र की जय हो। असुर इंद्र? हाँ, जैसे देवों के इंद्र देवेंद्र, नागों के इंद्र नागेंद्र, तो असुरों के इंद्र असुरेंद्र। सत्य कहा आपने नारद जी, बस इस कथ्य में थोड़ा सा सुधार। कहो असुरेंद्र। देवेंद्र भागकर कहीं छिप गया है, किंतु नागेंद्र हमारी शरण में जीवित है, इसलिए अब केवल एक ही इंद्र है, ये असुरेंद्र। नारायण। बिटला, महिषासुर की सभा को ऐसे हिलाने की चेष्टा किसने की? जाकर देखो, देवता हो या कोई राजा, वो कोई भी हो, जिसे मेरे नाम का भय नहीं है, इस प्रकार विरोध करने वाले को अवश्य कठोर दंड मिलेगा। ले आओ उसे। जाओ। नारायण नारायण। क्या हुआ मुनिवर? वो क्या है? ये कौन है आप जानते हैं? पता अवश्य है। तो बताइए। उनके ही कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, या ये कहिए कि उनका भेजा गया दूत हूँ मैं, ऐसा भी मान सकते हैं आप। नारायण। ऐसा कौन सा पुरुष है? पुरुष नहीं, स्त्री है। स्त्री है? जिसके स्वर से ब्रह्मांड कांप गया, वो एक स्त्री है? हाँ महिषासुर। उसने ऐसा क्यों किया? वो क्या है ना, हिचकिचा क्यों रहे हो? कुछ कहूँ तो आपके क्रोध का बलि ना बन जाऊं कहीं। तुम्हारे पास क्या है जो मैं तुम पर क्रोध करूं? बताओ मुझे। वो स्त्री जो है आपसे युद्ध करने के लिए आई है। ओ, एक स्त्री और मुझसे युद्ध? युद्ध? साहस तो देखो। हाँ, मैंने भी यही कहा, महिषासुर को युद्ध के लिए आह्वान देना मृत्यु को बुलाने के समान है, किंतु उन्होंने कहा स्त्री से ही मृत्यु का वरदान पाया है, तो उसकी मृत्यु मैं ही करूंगी। हाँ। मुझे युद्ध के लिए बुलाने की उसकी योग्यता क्या है? वो मैं कैसे बता सकता हूँ महिषासुर, कोटि कोटि सूर्यों को एक कर दिया हो उस ज्योति को कहूँ? मस्तक से चरणों तक पहनी आभूषणों की महिमा से कहूँ? उन अस्त्र शस्त्र को हाथ में लिए प्रताप की महिमा से कहूँ? बस करो। वो किस लिए मुझसे युद्ध करना चाहती है? सब उन देवताओं के कारण, स्त्री द्वारा ना जन्मी स्त्री चाहिए, इसीलिए उसे ढूंढ कर लाए हैं महाराज। ओ, तो ये देवताओं की चालाकी है। मुझसे हार कर भागने वाले अब एक स्त्री को भेजकर मुझसे जीतना चाहते हैं। नारद जी, क्या वो स्त्री एक क्षण भी मेरे सामने टिक पाएगी? मैंने ये भी कहा था, परंतु वो तो वीर यज्ञ करते समय एक पराक्रमी भैंस की बलि देने की प्रथा है, इसीलिए महिष को खींच कर लेने आई हूँ। ये उन्होंने कहा था मुझसे। नारायण, ये सत्य है ना? केवल इतना ही नहीं, और क्या? यम का वाहन वृद्ध हो गया है, इसीलिए अब इसे यहाँ से ले जाने आई हूँ। नारद जी, नहीं नहीं, इसके आगे मुझसे मत पूछिए कि उन्होंने क्या कहा था। तुम बताने वाले हो या नहीं? अब पूछ लिया है तो बताता हूँ। इस भैंस, ऐसा उसने कहा, वो भैंस मेरे वाहन सिंह को देखते ही कांपता था, वो युद्ध के लिए क्या आएगा? ये कहते हुए उत्साह से हंसने लगी महिषासुर। नारायण, हंस रही थी? हंसने दो,
हंसने दो, अब जाकर मैं उसका अंत करता हूँ, देखना। रुकिए प्रभु। त्रिलोक को जीतने वाला सम्राट अब एक स्त्री से युद्ध करेगा। युद्ध की गुहार लगाने वाली स्त्री को एक क्षण में जीत कर आपके समक्ष खड़ा कर दूंगा। सही कहा महावीर्या, प्रस्थान करो। नारायण, प्रभु 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 प्रभु, क्या हुआ, कांप क्यों रहे हो? प्रभु, युद्ध भूमि में गए हमारे असुर सैनिक, एक क्षण में उनकी मृत्यु हो गई। महावीर्या के नेतृत्व में गए हमारे सारे असुर सैनिकों की मृत्यु हो गई है। क्या कह रहे हो, एक स्त्री इतने सैनिकों को कैसे मार सकती है? वो कैसे बताए प्रभु, उसकी हसी ने हमारे सैनिकों पर अग्नि बनकर उन्हें भस्म कर दिया। उसने हाथों को उठाया और हमारे सैनिकों के पैर वहीं पर जम गए। उसने हाथों को घुमाया और हमारे सैनिक वहीं चक्कर खाकर गिरकर मर गए। बस करो, चले जाओ यहाँ से, जाओ। मैं स्वयं युद्ध करने जा रहा हूँ। अकेले आई उस स्त्री का रणभूमि में मैं अकेले ही वध करूंगा। कहाँ है वो स्त्री? स्त्री सामने आओ, कहाँ हो तुम स्त्री? कहाँ है वो अहंकारी? महिषासुर आया है, सामने आओ। मुझे देखकर क्या तुम कहीं छिप गई हो? सामने आओ। कौन हो तुम? युद्ध भूमि पर तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। क्या सौंदर्य रूप में तुम, शांति रूप में खड़ी तुमने मेरी असुर सेना को मार गिराया? हाँ, मैं ही हूँ। अब वो अध्याय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हारा अंत करने के लिए मैं ही अकेले आई हूँ। स्त्री, मेरे सैनिकों को समाप्त कर दिया तो मुझे समाप्त कर दोगी? ये स्वप्न मत देखो, तुम स्त्री हो, इस कारणवश मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, जाओ। महिषासुर, तेरे सैनिकों को मिटाने के पश्चात भी तू मुझे जीवन दान दे रहा है? अपनी गदा उठाओ, अपनी वीरता दिखाओ। मेरी शक्ति को तुम जानती नहीं हो, पहले मेरी गदा का सामना करो, फिर देखते हैं।
महिषासुर, मैं अंतिम चेतावनी दे रही हूं। देवताओं के अधिकार को उन्हें वापस सौंप कर पाताल लोक में जाकर छुप जाओ। अब भी तुम्हें अपनी वीरता पर विश्वास है तो अपने सैनिकों की भांति तुम्हारी भी मृत्यु होगी। स्त्री, जाकर इंद्र के वज्रास्त्र से पूछो, मेरे एक ही सींग से वो अपने तेज को खोने की कथा सुनाएगा। काल की गदा से जाकर पूछो, कैसे मैंने उसे चूर चूर कर दिया। शंकर का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र अब तक मेरे सामने आए नहीं, इसलिए अब तक वो उनके हाथों में हैं। मूर्ख, त्रिशूल, चक्र, वर मुद्रा केवल त्रिमूर्ति के अस्त्र नहीं हैं, इससे कई अधिक शक्तिशाली अस्त्र मेरे पास हैं। स्त्री, मैं तेरी हत्या करूंगा, परंतु स्त्री हत्या न लग जाए ये सोच रहा था, परंतु तू साधारण स्त्री नहीं है ये सिद्ध कर दिया। तूने असुर सेना का सर्वनाश किया, इसलिए तेरी हत्या करके प्रतिशोध लूंगा। रम्यकपर्तिनि शैलसुते।